मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई सरकार की कमान भजन लाल शर्मा को सौंपने का फैसला किया है। श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया, वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। भजन लाल शर्मा राजस्थान में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं और पार्टी के प्रदेश संगठन में महामंत्री हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं। भजन लाल शर्मा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। वो भरतपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी ने राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी किया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये फैसला केंद्र में पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए पार्टी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह और नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में लिया गया। इस मीटिंग के लिए राजनाथ सिंह के अलावा सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में कई नेताओं के नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने के फैसले को राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाला बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 199 में से 115 सीटें हासिल की हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णु देव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर कई चुनावी विश्लेषकों को हैरान कर दिया था।